क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर मैंने तो पूरा आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ लिया, पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल सब कर लिया सर, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ? देखो ये एक नो ब्रेनर है कि सबको पता है कि आईसीएआई का कंटेंट पढ़ना है बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि 95-98% बाय डिफॉल्ट आईसीएआई का मटेरियल तो फॉलो करते ही है, या अगर उन्होंने कोई ऑथर से या किसी प्रोफेसर से पढ़ा है तो वो प्रोफेसर या ऑथर भी तो आईसीएआई से ही यूज करने वाला है या बनाने वाला है अपना मटेरियल। बट फिर भी रिजल्ट तो खाली 5% आता है इंटरमीडिएट का, या ऑन एन एवरेज ले लो 15% आता है सीए फाइनल का, तो बाकी के 85-90% लोग इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल लेके भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एफएक्यू। इसको सॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं, एक छोटा सा हैक बता रहा हूं, प्लीज उसको यूज करो, इट रियली हेल्प मी। What you have to do is this, for example, आप SFM में एक चैप्टर पढ़ रहे हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम एक या डेढ़ दिन में आप पूरा एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दोगे। जैसे ही आपका कोई चैप्टर, एग्जाम्पल के लिए अपन ने लिया SFM में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, what you have to do is कोई भी पास्ट ईयर का सजेस्टेड आंसर पिकअप कर लो, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आपको सब मिल जाएगा, एंड वहां से कोई भी एक दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो गया तो ऑब्वियसली आपका तो सब हो गया, ऑन द स्पॉट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड से पास्ट पेपर से क्वेश्चन लेके उसको खुद से सॉल्व कर लो। देखो क्या होता है, एक तो भाई टेस्ट सीरीज होता है कि मैं डिटेल दो दो तीन तीन घंटे का टेस्ट सीरीज लिखूं, बट कई बार उतना डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। सो वॉट यू कैन डू, पिकअप द चैप्टर जो आपका हो गया उसमें से पास्ट पेपर सजेस्टेड आंसर खोल लो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, पिकअप कर लो कोई भी एक दो क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट खुद से ट्राई कर लो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना। इवन दो आपने खुद से पढ़ते वक्त वो किया होगा, स्टिल आपको सेम क्वेश्चन भी दिखा तो भी उसको सॉल्व कर लो, एंड ऑन द स्पॉट उसको खुद से चेक कर लो बाय द सजेस्टेड आंसर। यू विल रियलाइज के कहां कहां पे आपकी छोटी छोटी गलती हो रही है जिससे मार्क्स कटने का स्कोप है। भले ही आपने वही सेम कंटेंट पढ़ा हुआ है बट फिर भी जब आप लिखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा, ओ नेक्स्ट टाइम इसका मेरे को ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स का अपने का कंप्लीट हो गया पढ़ के, सजेस्टेड आंसर का, प्रोफेशनल एथिक्स का कोई भी एक दो क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो, एंड देन फिर बाद में सजेस्टेड आंसर से ऐसे चेक करो जैसे इफ यू आर द एग्जाम चेकर, एंड आपको रियलाइज होगा कि यार कहीं पे क्लॉज सब क्लॉज में गलती हो रहा है, कहीं पे लिखने में वो एक जो टेक्निकल वर्ड्स है वो कहीं पे मिस आउट हो जा रहे हैं, या फिर से डायरेक्ट टैक्स का कोई क्वेश्चन है पीजीबीपी का, या कॉस्टिंग में कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर लिया। कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो ना, आदत डालो इनवेरिएबली अपने में दैट व्हेनेवर यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर वो पर्टिकुलर चैप्टर का दो तीन क्वेश्चन सजेस्टेड से ऑन द स्पॉट उठा लो, ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व करके खुद ही एज अ पेपर चेकर चेक करना चालू कर दो। आप इंस्टीट्यूट के या वो जो पेपर चेकर है उसके दिमाग में घुसना चालू कर दोगे एंड आपको एक्चुअली रियलाइज होना चालू हो जाएगा दैट यस दिस इज हाउ द आंसर्स आर टू बी रिटन एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल। सो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना whether you are going to do this or not and how it is going to be helpful to you in the long term। तो उसके लिए आपको वापस से इधर आना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा whether it worked for you or not। It really worked for me and trust me, मेरे को इससे काफी हेल्प हुआ था। सो सीए इंटरमीडिएट में भी अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर आपका जैसे ही हो जाता है कोई भी सजेस्टेड आंसर खोलो पास्ट पेपर का, से आपने कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट पढ़ लिया आपका, अब कॉस्ट शीट से रिलेटेड कोई भी पास्ट पेपर में उठा लो आपको मिल ही जाएगा दो तीन क्वेश्चन, वो ही सेम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो एंड ऑन द स्पॉट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से उसको चेक कर लो। यू विल रियलाइज दैट ओह दो तीन चीजें चार पांच चीजें जो मिस हो रही थी ना वो भी अब आप उसको टैकल करना चालू कर दोगे। विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। ट्राई दिस हैक एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स आउट। हास्ता ला विस्ता।